हेलो टू ऑल वेलकम टू स्टडी हब आज हम एम सीरीज़ की सेकेंड वीडियो के साथ आए हैं आज हम कवर करेंगे एम ऑन टॉपिक डिजीज़ कॉम्युनिकेबल एंड नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज़ इससे पहले हमने एम कवर किए थे ऑन टॉपिक वाइटामस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर विज़िट करें हमारे चैनल पर और प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लें हमने इन टॉपिक्स पे फुल वीडियो लेक्चर भी अपलोड किया है तो वो भी ज़रूर देख लें के साथ चीज़ों को याद करने की कोशिश की है तो आपको जरूर हेल्प मिलेगी तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय अ बैक्टीरियम एंड इफेक्ट्स द डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें से कौन सा ऐसा बैक्टीरियल डिजीज है जो कि इफेक्ट करता है डाइजेस्टिव सिस्टम को सबसे पहले ऑप्शंस की बात करें तो सबसे पहला ऑप्शन है ट्यूबर ये एक रेस्पारेटरी डिजीज है टी जिसे हम कहते हैं नेक्स्ट ऑप्शन है मलेरिया uh, मलेरिया जो है ये किससे किसकी बाइट से होता है तो वो है फीमेल एनोफिलिस और ये एक प्रोटोजोन डिजीज़ है इसके बाद अस्थमा की बात करें तो ये भी एक रेस्पिरेटरी डिजीज है और ऑप्शन है हमारे पास लास्ट कॉलरा कॉलरा जो है ये एक बॉर्न डिजीज है ये होता है ड्यू टू द इनटेक ऑफ कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर ठीक है और इसमें होता क्या है कि, कि सीवियर डायरिया हो जाता है पेशेंट को और डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी के अंदर ठीक है और ये इफेक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को ठीक है तो इस तरह से ये डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है तो ऑप्शन है हमारे पास सी जो कि करेक्ट है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं व्हिच डिजीज इज करेक्टराइज बाय द इनएबिलिटी टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल तो ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में नहीं रहता तो डिजीज़ बतानी है हमें तो पहला ऑप्शन है डायबिटीज सेकेंड इज हाइपर थर्ड इज़ अस्थमा एंड फोर्थ इज़ मलेरिया ठीक है तो अगर हम समझें तो हाइपर जो है इसे हाई ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है इसमें क्या होता है कि ऐसी कंडीशन है जिसमें जो फ्लो होता है ब्लड वेसल्स में ब्लड का वो बड़ा हाई हो जाता है इसके अलावा अस्थमा की बात करें तो एक रेस्पिरेटरी डिजीज है और मलेरिया की बात करें तो ये फीमेल एनोफिलिस के काटने से होता है ठीक है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए डायबिटीज़ डायबिटीज़ में क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई हो जाता है ठीक है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन नेक्स्ट पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज़ कॉज बाय द वायरस एंड इफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक है कौन सा ऐसा वायरल डिजीज़ है जो इफेक्ट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने ऑप्शंस की बात की है अभी डायबिटीज़ में क्या होता है ब्लड शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाता है इसके अलावा टी की बात करें ये एक रेस्पायरेटरी डिजीज़ है कॉलरा की बात करें तो कॉलरा जो है इसमें डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी में डायरिया हो जाता है ठीक है जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है तो वायरल डिजीज़ हमें हमने बताना है टीबी इज अ बैक्टीरियल डिजीज़ कॉलरा इज अ बैक्टीरियल डिजीज़ अगर हम बात करें वायरल डिजीज़ की तो वो है ऑप्शन इन्फ्लुएंज़ा इन्फ्लुएंज़ा जो है ये अटैक करता है लंग्स पे नोज़ पे थ्रोट पे और ये एक एयरबोर्न डिजीज़ है ठीक है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी इन्फ्लुएंज़ा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें विच डिजीज इज़ करेक्टराइज बाय एबनॉर्मली हाई ब्लड शुगर लेवल तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और ये अलग वे में क्वेश्चन जो है वो दिया गया है तो इसका आंसर है डायबिटीज ठीक है नेक्स्ट की बात करें फिफ्थ क्वेश्चन की विच द फॉलोइंग डिजीज अफेक्ट्स द इम्यून सिस्टम कौन सा ऐसा डिजीज है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इफेक्ट करता है हमारे इम्यून सिस्टम को इम्यूनिटी डाउन कर देता है ठीक है तो ऑप्शन है हमारे पास ट्यूबर मलेरिया डायबिटीज एंड एड्स ठीक है तो इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करने वाला जो करेक्ट uh, ऑप्शन है वो है एड्स ठीक है ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है जो कि इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है इफेक्ट करता है ठीक है नेक्स्ट की बात करें विच डिज़ीज़ इज़ करेक्टराइज बाई द लॉस ऑफ बोन डेंसिटी ठीक है अब बोन किस से रिलेटेड है अगर आपने वाइटाम हमारा देखा है या एम सी क्यूज भी देखे हैं तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से पता होगा डायबिटीज़ जो है इसमें ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ करता है हाइपर टेंशन क्या है uh, जो ब्लड का फ्लो है वो इंक्रीज करता है हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है अस्थमा की बात करें तो एक रेस्पायरेटरी डिजीज़ है बोन जो है वो रिलेट करता है ऑस्टियोपोरोसिस से ठीक है हमने वाइटामस में पढ़ा था वाइटमिन डी में ठीक है कि किड्स uh, में क्या होता है रिकेट्स एंड एडल्ट में होता है ऑस्टियोपोरोसिस ठीक है तो uh, होता क्या है बोन की जो डेंसिटी है वो लो हो जाती है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी ऑस्टियोपोरोसिस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलिंग डिजीज इज क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज डायबिटीज जो है ये कॉम्युनिकेबल डिजीज नहीं है ठीक है और हाइपरटेंशन जो है इसमें हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है डायबिटीज़ जो है यहाँ पर ब्लड शुगर लेवल जो है वो हाई हो जाता है ठीक है मीजल्स जो है ये भी एक रेस्पैरेटरी डिजीज़ है बट हमें बताना है क्रॉनिक रेस्पेरेटरी डिजीज़ तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मनरी डिजीज सी ओ पी डी ठीक है इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच डिज़ीज़ इज़ कॉज बाय अ पैरासाइट ट्रांसमिटेड बाई इन्फेक्टेड मॉस्किटो ठीक है हमने एक पैरासाइट जो है पैरासिटिक डिज़ीज़ जो है वो हमें बताना है ऑप्शन है हमारे पास डायबिटीज़ मलेरिया अस्थमा ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपोरोसिस हमने अभी देखा रिलेटेड टू बोन्स बोन डेंसिटी जो है वो लो हो जाती है अस्थमा इज़ ए रेस्पारेटरी डिज़ीज़ डायबिटीज जो है ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी ऑप्शन बी मलेरिया तो इसमें क्या होता है मलेरिया इज कॉज बाय फीमेल एनोफिलिस ठीक है तो इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो है उससे ये ट्रांसमिट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज करेक्टराइज बाय द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर लीवर का इन्फ्लेमेशन हो जाता है ठीक है ऑप्शन है ट्यूबर मलेरिया हैपिटाइटिस एंड अस्थमा तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी हैपिटाइटिस ठीक है नेक्स्ट की बात करें वजो द फॉलोइंग डिजीज इज कॉमनली ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपको खुद दे देना चाहिए क्योंकि इससे पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया है और हमने ऑप्शन में अच्छे से समझाया है ठीक है तो इन्फ्लुएंजा ऑप्शन है टीबी ऑप्शन है अस्थमा ऑप्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी कॉलरा कॉलरा जो है इसमें डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी में इसके बाद ये होता किस चीज़ से है तो वो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ ऑयन ऑयन की डिफिशियंसी से क्या होता है तो ये भी इजी क्वेश्चन है स्कर्बी की बात करें तो स्कर्बी होता है ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ वाइटामिन सी रिकेट्स की बात करें तो ये वाइटामिन डी की डिफिशियंसी से होता है ठीक है और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी एनीमिया एनीमिया जो है ये आयरन की डिफिशेंसी से होता है ठीक है मीजल्स की बात करें तो ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच डिजीज इज कॉमनली एसोसिएटेड विद हाई ब्लड प्रेशर तो ये हमने आपको पीछे ऑप्शंस में बताया कि इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी हाइपर टेंशन हाइपर टेंशन इज ऑल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर ठीक है तो ये जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चन किए हैं ट्वेल्व क्वेश्चन किए हैं इसमें ऑप्शन जो हैं वो रिपीट हुए हैं अगर आप कुछ क्वेश्चन ही अच्छे से समझ लें ऑप्शन के साथ समझ लें तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करने में और आपका क्वेश्चन सही होगा विच डिजीज इज कॉज बाय द ह्यूमन इम्यूनोडिफिशंसी वायरस इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी एड्स विच आर द फॉलोइंग डिजीज एफेक्ट द रेस्पेरेटरी सिस्टम तो रेस्पेरेटरी सिस्टम को कौन सा डिजीज जो है वो अफेक्ट करता है तो हमने अभी तक बहुत से क्वेश्चन में ऑप्शन देख लिए हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी अस्थमा अस्थमा जो है ये एक रेस्पायरेटरी डिजीज़ है अगर आप चाहते हैं कि रिपीट पे हम ऑप्शंस को बार बार पढ़ें ताकि आपको याद हो जाए चीज़ें तो वो भी अच्छी चीज़ है हम अभी दोबारा से कर लेते हैं डायबिटीज़ जो है इसमें ब्लड शुगर लेवल जो है वो हाई हो जाता है हाइपरटेंशन जो है ये हाई ब्लड प्रेशर भी कहलाता है ऑस्टोपोरोसिस में क्या होता है कि बोन डेंसिटी लो हो जाती है बट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ठीक है फिफ्टींथ क्वेश्चन की बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज ठीक है नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज हमें यहां बताना है तो वो है डायबिटीज ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिवेंटेबल रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर तो ऑप्शन है हमारे पास जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इसके बाद एज है इन्फेक्शन है कौन सा रिस्क फैक्टर है कैंसर के लिए तो इसका ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है एक्सपोजर टू एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस क्या है फाइबर uh, है स्मॉल फाइबर है टाइनी फाइबर है जिसमें क्या होता है जिसके इनहेल से ब्रेदन अप से ये लंग्स में जाकर ट्रैप हो जाता है और ये कॉज करता है लंग्स uh, में कैंसर ओवरी कैंसर एंड जो लाइनिंग होती है लंग्स की उसमें भी ये कैंसर जो है वो uh, बनता है इससे ठीक है एक्सपोजर टू एस्पिस्टोस ठीक है इसका करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिजीज इज करेक्टराइज बाय द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ज्वाइंट्स कौन सा ऐसा डिजीज़ है जिससे क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है जॉइंट्स में ये एक तरह से एक बोन डिजीज़ है ऑप्शन जो करेक्ट है इसका वो है अर्थराइटिस इसमें क्या होता है कि स्वेलिंग uh, हो जाती है बोन्स में या पेन होती है रेडनेस होती है ये इफ़ेक्ट करता है जैसे एल्बो को नी को ठीक uh, है तो इस तरह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है जॉइंट्स में जो कि होती है अर्थराइटिस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर टाइप टू डायबिटीज़ रिस्क फैक्टर फॉर टाइप टू डायबिटीज़ तो रेगुलर एक्सरसाइज इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता हाई फाइबर डाइट नहीं हो सकता लो ब्लड प्रेशर नहीं हो सकता तो so, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ ठीक है जिसे क्या होता है जिसे रिस्क फैक्टर बन जाता है टाइप टू डायबिटीज़ का ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर बोर्न डिजीज अब हमें यहाँ पर ढूंढना है कि कौन सी वेक्टर बोर्न डिजीज़ है ठीक है तो कौन सी वेक्टर जिसका कोई वेक्टर है तो वो है मलेरिया जो कि होती है फीमेल एनोफेलिस से ठीक है ऑप्शंस की बात करें बाकी ऑप्शंस की तो अस्थमा जो है ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज है ठीक है डायबिटीज़ जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है और इसमें क्या होता है ब्लड शुगर लेवल जो है वो हाई हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये बोन से रिलेटेड है एंड मलेरिया जो है इसका वेक्टर जो है वो है फीमेल एनोफिलिस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अफेक्ट्स द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम ठीक है uh, कौन सा ऐसा डिजीज़ है जो कि ब्रेन और नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है डायबिटीज़ नहीं है हाइपरटेंशन नहीं है ऑस्टोपोरोसिस नहीं है इसका करेक्ट ऑप्शन है पार्किसन डिजीज़ अगर आपको किन्हीं तीन डिजीज़ के बारे में यहाँ पर पता हो सकता है तो आप एलिमिनेशन से करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हो मार्क कर सकते हो तो आपके लिए सही यही रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिजीज़ के बारे में पढ़ना स्टार्ट करो ताकि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो आपका ईजिली जो है क्वेश्चन सही हो जाए तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी पार्किसन डिजीज इसमें क्या होता है कि ये इफेक्ट करता है नर्वस सिस्टम को ठीक है ब्रेन और नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है पार्किसनस डिजीज़ ठीक है इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है वो शिवर करता है अगर आपको पता हो तो विच आर द फॉलोइंग डिजीज इज़ अ नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज़ मीजल्स कॉम्युनिकेबल डिजीज़ है ट्यूबर क्रॉसिस कॉम्युनिकेबल डिजीज़ है कॉलरा भी कॉम्युनिकेबल डिजीज़ है नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज़ हमारे पास आ जाता है डायबिटीज ठीक है ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन विच ऑफ वॉलिंग डिजीज इज कॉज बाय अ वायरस जो वायरस से होता है ऑप्शन है डायबिटीज इसके बाद हाइपर टेंशन एंड ऑस्टियोपोरोसिस इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा इज कॉज बाय वायरस ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हेपेटाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ विच ऑर्गन तो ऑप्शन हैं किडनी लिवर हार्ट एंड लंग्स ठीक है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी लिवर ठीक है इन्फ्लेमेशन हो जाती है किस ऑर्गन में हैपेटाइटिस की वजह से तो वो है लीवर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच डिजीज इज कॉज बाय अ डिफिशेंसी ऑफ वाइटामिन डी तो हमने काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन किए जहाँ पर वाइटामिन डी की बात हमने की इसे भी पढ़ा अच्छे से तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी रिकिट्स जो कि होता है किड्स में अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो एडल्ट्स में कौन सा होता है डिजीज जो कि वाइटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है तो वो है ऑस्टियोपोरोसिस ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज कंज्यूमिंग वेजिटेबल्स रेगुलर एक्सरसाइज ये ऑप्शन भी कुछ सही नहीं दिए ड्रिंकिंग वाटर ये तो आपको सीधे सीधे मार्क कर लिया जाएगा स्मोकिंग जो है इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज ठीक है तो इसी के साथ जो आज की वीडियो है वो एंड करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के साथ आएंगे जिसमें हम एम सी क्यूज कवर करेंगे या फिर किसी और टॉपिक के साथ आएंगे, ठीक है तो टिल देन बाय बाय टेक केयर